मुल्क को, इंडियंस को रिस्पेक्ट, और पाकिस्तान को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर इतनी बड़ी बेइज्जती हमारी हो रही है, उस बाय से शर्मिंदगी है कि नहीं? ऐसा पाकिस्तान भी है हमें, अगर आप पाकिस्तानियों को देखें, बीइंग अ मुस्लिम, हम बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि हम मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं और यही हमारा कमाल है, इसके अलावा हमारा कोई कमाल नहीं है। कंपैरिजन करते हैं कहीं भी, किसी भी पाकिस्तानी से पूछें कंपैरिजन, जब वो करेगा वो किससे कंपैरिजन करेगा? वो करेगा इंडियन से, ठीक है ना? तो हम जब भी कंपैरिजन करते हैं इंडियन और पाकिस्तान का करते हैं आपस में, अगर उसको इंडियन को ले लें हम तो उनके एक स्टेप की वजह से मुल्क कितना बदनाम हो रहा है। बिल्कुल, आईटी में बहुत आगे है इंडिया, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है इंडिया, एग्रीकल्चर में बहुत आगे है। भारत की विदेशों में इतनी ज्यादा इज्जत है, इतने लोग इंडियंस कितनी रिस्पेक्ट करते हैं विदेशों में, लेकिन पाकिस्तान को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता यार, उल्टा उनको जो गालियां देके वहां से भगा देते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों है भारत की इतनी ज्यादा इज्जत? खुद बताएंगे पाकिस्तान के लोग, और भारत की इतनी इज्जत और पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती विदेशों में क्यों होती है? पाकिस्तानी लोग चोर क्यों मानते हैं? खुद पाकिस्तान के लोग आपको बताने वाले, वीडियो भाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर, दुनिया के कई ममालिक में पाकिस्तान गेट आउट के नाम से कैंपेन चल रही है, खासकर यूके, तुर्की और ग्रीस में। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी, कैसा फील हो रहा है ये सुनने के बाद? मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इतनी बड़ी बेइज्जती हमारी हो रही है। इस पे मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान गेट आउट कैंपेन इट नॉट द पॉजिटिव साइन फॉर बीइंग अ पाकिस्तानी। अगर मैं सुनूंगा, ये मेरी इमोशनल मतलब हैरेसमेंट ही कह सकती हैं आप इसको, मैं इमोशनली मतलब हर्ट हो रहा हूँ, ठीक है? अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो किसी हद तक ठीक है, अगर प्रैक्टिकली इसको हम इमेजिन करें या फील करें बीइंग अ पाकिस्तानी, किसी हद तक ये ठीक है। और ये एक हमारे लिए अलार्मिंग भी है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में अगर आप देखें कि वो हमें क्या तरबियत दे रहे हैं और हाईली चार्ज करके वो हमें किस लाइफ की मतलब किस टाइप की मतलब ग्रूमिंग दे रहे हैं और क्या मेंटेलिटी सेट कर रहे हैं। जो मेंटेलिटी सेट हो रही है वो इस माशरे में नज़र आ रही है। और माशरा कैसे बनता है? माशरा आपसे बनता है, मेरे से बनता है, ये जितने लोग चल रहे हैं ये हमारे माशरे के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और जो भी प्रैक्टिकल एक्टिविटी होती है वो आइदर लीगल हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव जेस्चर हो, कुछ भी हो, वो हमारा एक इमेज सेट करता है। ओवरऑल अगर आप पाकिस्तानियों को देखें, बीइंग अ मुस्लिम, हम बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि हम मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं और यही हमारा कमाल है, इसके अलावा हमारा कोई कमाल नहीं है। कि हम अगर प्रैक्टिकली देखें, हम कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है, ठीक है? ईमान आधा ज़रूर है सफाई करने में। अब मैं आपको ये लेक्चर तो बहुत अच्छे तरीके से दे सकता हूँ, बट द थिंग इज कि मैं इसको प्रैक्टिकली वर्कआउट कितना कर रहा हूँ। सर, इन कंट्रीज़ ने क्लेम किया है, ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि पाकिस्तानी जो इलीगल तरीके से यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर आके हमारी वुमेंस को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हमारे कल्चर, हमारे नॉर्म्स, हमारी वैल्यूज़ को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आप इस चीज़ से किस हद तक एग्री करते हैं? मैं 60% एग्री करता हूँ, क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं और जितना फ्रस्ट्रेटेड कह लें आपके आज का, मैं खुद मेल हूँ और हमारी कन्वर्सेशन भी मतलब जो होती है, अगर मैं ऑन कैमरा आप लोगों को बताऊँ तो शायद आप ऑन एयर भी ना करें, तो ये एक रियलिटी है जिसको आप मेंटली स्ट्रेस कह लें, फ्रस्ट्रेशन कह लें, और एक मतलब थोड़े तल्ख लफ्ज़ है, मैं बोलना नहीं चाह रहा। अब आप ठीक कह रही हैं और जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। आप बीइंग अ फीमेल, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि आप कंफर्टेबल हैं कि इस माशरे में मर्दों के बीच में अपना ये काम जो आप कर रही हैं, रिपोर्टिंग, एंकरिंग, होस्टिंग, जो भी है, आप इसमें कंफर्टेबल हैं? नहीं। तो फिर आपको तो जवाब मिल गया ना, तो मेरी नज़र में ठीक कह रहे हैं। वो है एम्बेरेसिंग मोमेंट है, बट द थिंग इज आप जितने रियलिस्टिक हो जिंदगी उतनी आसान हो जाती है। देखें, इस चीज़ के दो पहलू हैं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात करूं। देखें, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी है बाहर आउट ऑफ कंट्री, सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है। अगर हम अपने खुद को कंपैरिजन करते हैं कहीं भी, किसी भी पाकिस्तानी से पूछें कंपैरिजन, जब वो करेगा वो किससे कंपैरिजन करेगा? वो करेगा इंडियन से, ठीक है ना? तो हम जब भी कंपैरिजन करते हैं इंडियन और पाकिस्तान का करते हैं आपस में, अगर उसको इंडियन को ले लें हम, तो हम मेनली जिस चीज़ पे आते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट ओवरसीज जो भाई हैं उनकी वहाँ पे क्या है, किस लेवल पे हैं वो। इंडियन कह लें, उनका वज़ीर आज़म, उनका वज़ीर ख़जाना ये कहता है कि नहीं, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हमने वो करना है। लेट्स सपोज अभी रशिया में रिसेंटली उन्होंने देखा आपने, उन्होंने कहा हमने ऑयल वहाँ से लेना है, गैस लेनी है, जबकि हमारे वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि नहीं भाई, हम ये नहीं कर सकते, हम IMF के तहत हैं, ठीक है? तो बात वहाँ पर आ जाती है कि हम कितना डिपेंड है दूसरों पे, ठीक है? बाहर की जो कंट्रीज हैं वहाँ पे जाहिर सी बात है पाकिस्तान की कैसे रिस्पेक्ट होगी जब उन पे डिपेंडेड है टोटली। आप इस चीज़ से एग्री नहीं करते कि हमारे जो पाकिस्तानी है वो दूसरे मुल्कों में जाके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये इमेज बिल्डअप हो रहा है? देखिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी बंदा यहाँ से जाता है, मजबूरी में जाता है, वहाँ पे जाके उसे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, उसको यहाँ पे मिसगाइड किया जाता है। जो हमारे एजेंट्स होते हैं वो उनको लेके चले जाते हैं और वहाँ पे जाके वो बेचारे का अमाउंट उनके पास नहीं होता। जो कहता है आगे से उनको अगर अच्छा मिल जाता है बंदा वहाँ पे तो गुड है, वरना अरबाब पे डिपेंड होता है कि वो उसको कैसा अरबाब मिला है। तो जैसा वो चाहे उसको चपेड़ मारे, थप्पड़ मारे, जो मर्जी करे, उसने तो जुल्म सहना है। और दूसरी बात जब है कि वहाँ पे जो हमारा स्वार्थ खाना है वो कैसा काम कर रहा है, जबकि इंडियंस हैं वो इस मामले में काफ़ी आगे हैं। हमारी ओवरसीज भाइयों से बात होती है, वो हमें बता रहे होते हैं कि यार जब हम अपना कोई प्रॉब्लम लेके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें सैलरी नहीं मिलती। मैंने अक्सर मेरे जो अपने दोस्त हैं वो बाहर हैं,
उन्होंने मुझे बताया कि यार मुझे सैलरी नहीं 3 महीने से मिली थी, तो मैं गया हूँ उनके पास अपनी एम्बेसी के पास, मैंने कहा यार सैलरी नहीं हमें दे रहे, तो उन्होंने कहा ठीक है नेक्स्ट मंथ आइएगा, ठीक है ना, इतने पैसे हमें दे दे। जबकि उन्होंने खुद बताया कि जब इंडियंस जाते हैं तो फॉरन नेक्स्ट मंथ उनकी कंपनी होती है, उनको ऐसा होता है पता नहीं क्या हो गया। अब यही बात मैं आपके आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी कि उनकी कंट्री की तरफ से पीछे सपोर्ट होती है तो डेफिनेटली उनके मसाइल हल होते हैं ना। हमारे वहाँ पे जो लोग जाते हैं उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होती, वो बेचारे अपनी मत आपके तहत यहाँ पर आयल के टेस्ट देते हैं, दो दो तीन तीन बार पैसे खर्च करते हैं, उसके बाद वो सारा पेपर वर्क भी खुद ही करवाते हैं, गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता, इसीलिए उनको इंडियंस को रिस्पेक्ट और पाकिस्तान को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। बिल्कुल ऐसी बात है, वहाँ पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इतने घटिया हैं, इतने वो बेकार हैं कि वो जब भी बात आती है हेल्प के लिए वो सामने नहीं आते, मतलब उसको उल्टा ब्लैकमेल करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम रहते हैं तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जस्टिस की प्रॉब्लम है, मेन जस्टिस उस तरह से इंसाफ नहीं है, तो हम जो भी एक्ट करते हैं ठीक है ना। अब रिसेंटली क्या किया हमने, अमेजोन का आपने सुना, तकरीबन 14,000 अकाउंट उन्होंने बंद कर दिए पाकिस्तानियों के, ठीक है ना, किसी एक दो तीन फर्द की वजह से, कितना जो है वो लोगों का रोजगार, कुछ गंदी मछलियों की वजह से सब लोगों को जो है वो उसका अजाला भुगतना पड़ा। बिल्कुल, वो गंदी मछलियां हैं, वो जस्टिस यहाँ पे होगा, यहाँ पे पुलिस अच्छे से काम करेगी, वो उनको पकड़ेगी, कटहरे में लाएगी, उनको पता होगा बाहर के जो है, फॉर एग्जांपल चाइना है ठीक है, यूके है, उनके बाहर से अगर वो चल रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं सिस्टम, उनको पता होना चाहिए कि हम यार एक इनकी वहाँ पे शिकायत करेंगे तो ये पकड़े जाएंगे। वहाँ यहाँ पे पेपाल नहीं आ रहा, किस वजह से नहीं आ रहा, इधर देर नगरी है, यहाँ पे पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, यार फ्रॉड भी तो यहाँ पर बहुत हो रहा है ना। आप अमेजोन को देख लें, अमेजोन ने कितना फ्रॉड किया लोगों के साथ, अमेजोन यहाँ पर बंद कर दिया गया, फिर सेकेंडली हमारे जो यहाँ से लोग जाते हैं इलीगल या फिर विजिट वीजे पर, वो 6 महीने बाद वहाँ जाकर गायब हो जाते हैं। रिसेंटली आप कॉमनवेल्थ गेम में देख लें, हमारे दो बॉक्सर गए और वहाँ जाके गायब हो गए। जी बिल्कुल, देखें मैंने खुद ये न्यूज़ सुनी थी, तो ये न्यूज़ बाय से शर्मिंदगी है कि नहीं ऐसा पाकिस्तान की भी है हमें, और ये भी देखें कि वो जो यहाँ से गायब हुए गुम हुए उनके क्या हालात होंगे। हमारी स्पोर्ट्स का बजट टोटली क्या है, ठीक है ना, हम वहाँ जहाँ पे स्पोर्ट्समैन जा रहा है उसने ज़ाहिर सी बात ही सोचा होगा यार मैं यहाँ पे 10 साल रह के पाकिस्तान में कुछ कर लिया, एक गोल्ड मेडल भी ले लिया ना, तो लाना तो इन्हें 10 लाख 20 लाख मिल गया, मिलना उसको है नहीं, उसने बेचारे नहीं सोचा होगा भाई निकलो यहाँ से और जाके किसी का घर साफ करो और कूड़ा उठाओ और अपना रोजगार चलाओ। बिकॉज गवर्नमेंट उन्हें यहाँ पे फैसिलिटेट नहीं कर रही, वो अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए इस तरह के स्टेप लेते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ का अंदाजा नहीं होता कि उनके एक स्टेप की वजह से मुल्क कितना बदनाम हो रहा है। बिल्कुल ऐसी बात है, और मेनली ये है कि जो हमारे ऊपर बैठे हैं इनको सोचना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि वो जो हमारे ओवरसीज भाई हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं और जहाँ से जो जा रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं, और यहाँ पे जितने एजेंट्स लोगों को लूट रहे हैं ठीक है ना उनको बंद करना चाहिए और ये सारा मसला हल हो जाए मेरे ख्याल से। हम किसी इंडियन के बारे में ऐसी कोई बात क्यों नहीं सुनते जबकि बहुत सारी कंट्रीज में मेजोरिटीज इंडियंस की है, जैसे यूके की बात अगर हम करें तो हमें बहुत मेजोरिटी में इंडियंस रहते हैं, लेकिन हमें कभी किसी इंडियन के बारे में ये चीज़, कभी इंडिया के बारे में ये चीज़ सुनने के लिए नहीं मिली। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है या सिंपल सी फिलॉसफी कह लें कि इसमें मतलब ये कोई इंडियन पाकिस्तानी वाला टॉपिक नहीं आएगा, इसे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम आप कंसीडर करें ठीक है, क्योंकि यूके की नेशनल या ओवरसीज जितने भी हैं मिनिमम पोर्शन जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ का है, जो मैक्सिमम पोर्शन है वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ का है ठीक है। आप अब उस चीज़ को कंपैरिजन नहीं कर सकती, इंडियन नॉन मुस्लिम है, उनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, उनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और उनकी आज की जनरेशन में बहुत पॉजिटिव रोल्स है। इंडिया आईटी में बहुत आगे है, इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है, इंडिया एग्रीकल्चर में बहुत आगे है। जब आप कुछ प्रोडक्टिव कर रही होती है ना फिर आपके जो नेगेटिव पहलू है ना लाइफ में वो कवर हो जाती है। मैं अगर मेरे में 10 बुराइयां ना तो मेरी कोई 2 अच्छाइयां ऐसी होंगी जो 10 बुराइयों को कवर कर देंगी, तो ये मैं इसको इस तरह देख। तो जी ये था पाकिस्तान के लोगों ने खुद बताया भाई क्यों क्यों भारत की इज्जत है देशों में, क्यों भारत की रिस्पेक्ट करते हैं लोग, भारत के लोगों से इतने मतलब पीसफुली बातें करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जहाँ पाकिस्तानी दिख जाए पहले तो उसको बोलते भाई तेरे पास बम तो नहीं है, फिर बोलते भाई तू यहाँ पे आया कैसे है, और तू भाई तू पुलिस को बुलाओ यहाँ पे पाकिस्तानी घूम रहे हैं। तो जी पाकिस्तानी की इज्जत कुछ ऐसी हो चुकी है, और इनको कोई विदेशों में अपने देश में देखना पसंद नहीं करता भाई, इनको गेट आउट के नारे लगा रहे हैं लोग। तो जी ये इज्जत कमाई है इंडिया ने और पाकिस्तान ने विदेशों के अंदर, क्योंकि दोनों देश साथ में जादू हुए थे, पाकिस्तान तो एक दिन पहले हो गया था भैया ठीक है, आज़ाद तो हम ही हुए थे, उनको तो फिर हमने बीच में आज़ादी दे दी थी। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे भाई, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।